घोड़ा मालूम जो है, हम घोड़ा मालूम बोलता है, ये सीधा सीधा है। काम तो कितना ज्यादा करता है वो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन आदमी सीधा है, जो बोलता है वही है। और दूसरा का जैसे घुमा फिरा के भी वो बोलने आता नहीं। तो हम लोग कम से कम 10-15 साल से साथ में है, तो एक सीधा आदमी है। और मैं विश्वास करता है जो आने वाला जो 22 तारीख 22 को आप लोग तीर का सिंबल में बताम दबा के जेडीयू का कैंडिडेट को अगर 26 को दिसंबर 26 को जब काउंटिंग होगा, आप लोग भी आराम से सुनने का बाद हाँ जीत गया ऐसे अगर दिल में आने तक, खुशियाँ आने तक आप लोग को काम करना चाहिए। और मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ, इस जो एच सेक्टर का जो जितना माता पिता है अपना जवान रखता है, वो अपना जवान में चलता है और इज्जत करने का लायक है, विश्वास करने का लायक है। हमने बार बार इलेक्शन में आकर देखा है, आप सभी ने बहुत मेहनत करने वाला है। और ये जो 8-9 दिन जो बचा है, आप लोग बहुत मेहनत करेगा, यहाँ जितना भी दौलत आएगा, रुपया पैसा आएगा, खरीद पुरने के लिए आएगा, उसको टुकराएगा। आने वाला दिनों में 22 तारीख को आप लोग नहीं भूलेगा, घर में नहीं रहेगा, एक से दो, दो से चार, चार से आठ आप लोग लेकर बतम तीर में दबा के अपना जो कामयाबी जो गोरा तालन को हासिल करा देगा बोल के मैं उम्मीद रखता हूँ। इसी उम्मीद के साथ मेरा बात को यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक यू। बोलता कौन करता ज्यादा है, लेकिन और सबसे हम फर्स्ट हमारा ये इलेक्शन ये क्या नाम था, ये हम मेरा दोस्त है जुमी मैडम ने बोला है, हम और दिल माने से काम करता है क्योंकि लाम साम हम चलता नहीं, तो इसलिए हम इस बार इसलिए आप लोग का वार्ड नंबर 4 and 6 जो 3 हुआ है रीजन, जो क्योंकि हम लोग का पहले कंसल था अभी कॉपरेट हो गया था, इसलिए दोनों वार्ड को जुड़ के हम लोग का एक ही वार्ड बनाया। तो हम लोग का लोग अभी जो तीन हमारा साथ में 3 लाख रहा है, कोई लोग बोलता है तालंग वहाँ में वार्ड नंबर 2 का है, 3 में किस लिए कॉन्टेस्ट करने जा रहा है, लेकिन ये बात तो हमको डाइजेस्ट नहीं होता है, लेकिन कोई भी कॉन्टेस्ट कर सकता है। किस लिए आप लोग यहाँ जितना लोग आया इसको हम साथ लेने के लिए, मदद करने के लिए, काम करने के लिए आया ना, तो वो बात माने दूसरों लोग माने ये अपना कैंपिंग सही को बात करना है, क्योंकि यहाँ कहीं भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, यहाँ का नारंग का ईटानगर का हो, आदमी अच्छा होना है, आदमी का ऊपर है। 2019 में 7 MLA ने जिताया, आज उसी में से एक हमारा साथ बहुत दूरी दाए में काम कर रहा है, और भारती हमारा देश का नेता नीतीश कुमार जी एक अच्छा लीडर है, बिहार के चीफ मिनिस्टर 4 times कंसेक्यूटिव चीफ मिनिस्टर, वो बहुत अच्छा लीडर है, समाज के लिए जनता के लिए सोचने वाला। और जेडीयू का आइडियोलॉजी ऐसा है, हर धर्म क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई हर धर्म को दोनी पोलो सबको लेके चलने वाला, हाँ एक अच्छा पार्टी है, हर अनेक जाति को लेके, हर जाति को बड़ा छोटा अनेक जाति को मिलके लेके चलने वाला एक सेक्युलर पार्टी है जेडीयू, बहुत अच्छा पार्टी है। और मैं आप सबको ऐसा एक फर्स्ट प्रायोरिटी आपका जो डेवलपमेंट को इन लोग विश्वास करते हैं, तो डेवलपमेंट ही एजेंडा है इन लोग का। और यहाँ में अगर ये हम लोग जो आपका गोला तालन जो अगर जिताएंगे, इसमें हम लोग का सेक्टर के लिए भी बहुत बहुत लकी होगा। क्यों बोलने से तारतीन ईटानगर का विधायक कोई और नहीं, हमारा अच्छे तीसरी काजो जी है। यहाँ में जितना MLA फंड आता है, जितना जो भी आपका डेवलपमेंट काम कौन करेगा, हमारा MLA साहब तो करेगा ना, अभी उसका और ऐसे भी 3.5 साल बचा है, तो उसमें हमारे सेक्टर में तो अभी ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, यहाँ में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है,
यहाँ में स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है। इसके बाद में हम लोग पहले से ये था कि यहाँ में एक तो मारे हाई मार्क्स टावर के लिए भी हम लोग उन्होंने उसको पहले बोला था। इसके बाद ये सब को अच्छे खासो जी पूरा अच्छा से मने यो याद है। अगर कल को हम लोग जनता दल जो जेडीयू का कैंडिडेट गोरा तालम का अगर जिताएगा तो जिसे भी हम लोग उम्मीद करता है कि इस क्षेत्र का पब्लिक अच्छे खासो जी जिसे भी ये काम को कर दे हम लोग विश्वास करता है। इसलिए हम लोग का ये सेक्टर हम यहीं में रहता हूँ और यहाँ रह के भी हम कैंपिंग उसका जो है जनरल सेक्रेटरी है और हम चंद्रनगर में भी देखा है वहाँ का औरत महिला है जितना भी वहाँ का यूथ है। हम ये कंसलर बन के हमारा वार्ड नंबर 3 को हमारा जो डेवलपमेंट है उसको पूरा करने के लिए हम कोशिश है। नाला है, रास्ता है, आपका स्ट्रीट लाइट है, कहीं कहीं में जो कमियां हम करने जा रहे हैं। सर थोड़ी देर पहले स्पीच में जो है MLA सर ने भी कहा था कि कुछ धमकियां वगैरह ऐसे लोगों को मिल रही हैं गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, तो आपके नॉलेज में है ऐसा कुछ? तो उन लोग का धमकीबाजी कोई लोग बोलता है लेकिन वो गलत है, लेकिन ये बोलना नहीं चाहिए। लेकिन किसी को धमकी दे के आपका इलेक्शन चलना नहीं मेरा हिसाब से, क्योंकि सही ढंग से चलना है इलेक्शन, तो पीसफुल चलना है। किसी को धमकी करके धमका करके आप क्या इलेक्शन चलेगा? मेरा ये सबको अपील है मेरा पब्लिक से और माने उन लोगों को बात नहीं मानना चाहिए। सर आने वाला 22 तारीख को जो वोटिंग होने जा रही है, चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम पब्लिक को सभी को अपील कर रहे हैं माने मेरा इस बार जैसे भी हमको जुटा के और हमारा वार्ड नंबर 3 में कंसल बन के आप लोग का साथ में हम रहेगा उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।